अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। एक सवाल है कि क्या अगर किसी औरत ने रोज़ा रखा है और रोज़े रखने की वजह से रोज़े के दौरान दिन में उसको हैज़ आ गया, पीरियड्स आ गए, उसके मेंसेस स्टार्ट हो गए, तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा? और सवाल के अंदर ये भी पूछा गया है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जब 12 बजे के बाद अगर पीरियड्स आते हैं, हैज़ आता है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटता और उसको अपना रोज़ा मुकम्मल करना चाहिए। तो आप इसकी वजाहत कर दें। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो हैज़ है यानी मंथली जो एक साइकल्स है जिसको मेंसेस कहते हैं, जब ये हैज का खून आ जाता है तो औरत हाइजा हो जाती है और इस सूरत में रोजा फासद हो जाता है। वो मगरिब से पहले भी अगर हो गया, चाहे वो एक घंटा पहले क्यों नहीं हाइजा हुई, उसको मेंसिस आ गए हैं तो उसका रोजा फासद हो जाएगा। अब जब वो पाकीजा होगी तो अपने उस रोजे की दोबारा से कजा पूरी करेगी। और ये जो लोगों के दरमियान एक मशहूर हो गया है कि 12 बजे के बाद अगर पीरियड्स आते हैं तो वो अपने रोजे को मुकम्मल करेगी, तो इसकी जो सही सनद के साथ जो रवायत है वो हमें इलम में नहीं है। हाइजा की सूरत में, ये जो मेंसिस का जब आ जाने की सूरत में रोजा फासद हो जाता है, और इस रोज़े को जब औरत दोबारा पाकीज़ा होगी तो दोबारा से उसकी कज़ा पूरी करेगी।